रत्नावली 1708 का पहला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद और n-वां पद ज्ञात कीजिए। इस बार प्रश्न जो है गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है, तो गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है तो इसका जो सूत्र है ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हल, एक मिनट, यहाँ पे दिखाई नहीं होगा ना, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। हल दिया है 5/2, 5/4, 5/8, फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो देखो ऊपर जो है ना अंश जो है वो 5/5 है ना सब में, लेकिन हर जो है, हर क्या हुआ है, हर जो है हर एक पद का दुगना हुआ है। जैसे कि 2 × 2 कितना हो गया 4, फिर 4 में फिर 2 का गुणा कर दो तो कितना होगा 8। समझ में आ रहा है ये कैसे है, 2 × 2, ठीक है, फिर गुणी 2, फिर गुणी 2। तो देखो ये दोनों को गुणा करें कितना होगा, 4 होगा, फिर इस 4 के साथ इस 2 का गुणा करो कितना होगा, 8 होगा, और इस 8 के साथ इस 2 का गुणा करो कितना होगा, 16 होगा। इसके बाद 16 के साथ फिर 2 का गुणा करो कितना होगा, 16 × 2 = 32, 32 का गुणा 2 से करो कितना होगा, 64। तो इसी तरीके से जाते जाते हमें निकालना कितना है, 20वां पद तक के निकालना है, 20वां पद, ठीक है, किस पद तक की निकालना है, 20वां पद तक के। तो चलो अब इसको हल करते हैं, और यहाँ पे जो सूत्र उपयोग होगा वो सूत्र क्या है, a गुणित r रहेगा, मतलब ये दोनों गुणा के फॉर्म में रहेगा क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है ना, और ऊपर में n-1 रहेगा। तो हमें इसमें जो सूत्र उपयोग करना है वो सूत्र ये है, ठीक है, तो मैं इस सूत्र का उपयोग करूंगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो सूत्र उपयोग होगा वो ये रहेगा, ठीक है। अब प्रथम पद देखो, तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, a का मान 5/2, ठीक है, r का मान निकालते हैं। तो r का मान कैसे निकालोगे, पीछे वाले पद में आगे वाले पद का क्या करेंगे, जैसे d का मान निकालते थे सर्वांतर, तो क्या करते थे, सर्वांतर निकालते थे, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो पीछे वाले पद में आगे वाले पद को भाग देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5/4 में भाग देंगे किसको, 5/2 को, तो 5/2 को भाग दे देंगे। और आप लोगों को नियम पता है, नियम क्या है, पहले और चौथे का गुणा और दूसरा और तीसरे का गुणा। तो पहला और चौथा देखो, तो पहला 5 है और चौथा कितना है, 2 है, गुणा हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरे का गुणा करेंगे तो 4 × 5, तो ये 5 और ये 5 कट गया, 2 × 1 = 2 × 2 = 1 और 2 से भी कट गया, मतलब 1/2 यहाँ पे r का मान आया, ठीक है, r का मान कितना आया, r का मान 1/2 हमें प्राप्त हुआ। अब हम आसानी से 20वां पद निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं 20वां पद। सूत्र क्या है, सूत्र है ए आर, है ना, देखो ए आर और एन के जगह हम कितना रखेंगे, एक मिनट आपको दिखाई दे, देखो ए आर एन माइनस वन है ना, तो ये जो एन है इसके जगह हम कितना रखेंगे, 20वां पद है मतलब 20 रहेगा, तो यहाँ पे 20 − 1 कर देंगे, तो ए के जगह में आ गया 5/2, आर के जगह पे 1/2, एन के जगह में 20 − 1 है मतलब 19। अब आगे बस क्या करना है, हमें हल करते जाना है, तो हल कर देते हैं। तो ये हो गया 5/2, 1 का घात 19 और 2 का घात भी 19, तो 1 का घात 19 का मतलब 1 का 1 ही रहेगा, है ना, पर 2 का घात 19 का मतलब क्या होगा, 2 का घात 19, इस प्रकार से, है ना। अब देखो नीचे में यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसका भी घात इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2 का घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 का घात 20, यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, 5/2 = 20, समझ में आया। अब निकालना क्या है, n-वां पद, ठीक है, वही बस बाकी है, क्योंकि इस प्रश्न में n-वां पद भी कहा है, तो n-वां पद सूत्र आपका सेम रहेगा, तो बस 20 के जगह में n-1 रहेगा। आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2, r के जगह में 1/2 और n माइनस कितना रहेगा, 1 रहेगा, है ना, n-1।
तो ये रहा 5 अपान 2 गुणित, ये जो एक एक दिया है ना, तो एक ये है, तो एक का घात n-1 रहेगा। तो एक का घात कुछ भी रहे, मान क्या प्राप्त होता है भाई, एक का घात चाहे 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो, कुछ भी रखो, तो एक ही प्राप्त होगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन, नीचे। ठीक, नीचे तो 2, एक मिनट आपको दिखाई दे, 2 n-1। ठीक है, 2 n-1, तो ये 5 गुणी 1, 5 का 5 रहेगा, 2 दिया है। ठीक है, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो एक मान माइनस में है और ये एक मान प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट के सिर्फ बचेगा क्या, देखो यहाँ पे ये प्लस में है, 2 का घात 1 है ना, प्लस में है, और ये माइनस में है, तो ये 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 होके क्या होगा, ये दोनों इस तरीके से कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 का घात n। ठीक है, तो 5 अपान 2 का घात n जो है क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन गया और आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी 1 अपान 4 और -1 अपान 2, फिर 1, फिर -2 का nवा पद, सॉरी नौवा पद और nवा पद क्या करना है, ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बना के देखना, जैसे मैंने पहले को बनाया वैसे ही ये प्रश्न भी बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न का भी सेम टू सेम होगा। तो आपको करना क्या है, करना है यहाँ पे नौवा पद निकालना है ना, तो सूत्र जो रहेगा वो क्या है, a r n-1। ठीक है, इसी सूत्र में रखना है। ठीक है, a का मान तो ये हो गया, ध्यान देना है ना, a का मान ये हो गया। ठीक है, a का मान हो गया, अब आपको बस r का मान निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए करना क्या है, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को भाग देना है। और भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में नहीं है, ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में पीछे वाले पद को आगे वाले पद के साथ क्या करते, घटा देते हैं, आगे वाले पद को घटा देते थे है ना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो -1/2 को भाग दे देंगे किससे, 1/4 से। ठीक है, 1/4 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये पहले और चौथे का गुणा, दूसरे तीसरे का गुणा, तो -1/4 के साथ और 2/1 के साथ है ना, तो 1 2 1 2 2 2, तो कितना आ जाएगा, देखो -2। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, -2। तो r का मान यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। अब सेम टू सेम जैसे नवा पद निकालना है ना, जैसे हमने 20वां पद को पहले प्रश्न निकाला, वैसे ही आपको क्या करना है, नवा पद निकालना है। ठीक है, और एनवा पद को भी वैसे ही यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इस प्रश्न को बना के देखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, डायरेक्ट तीसरा प्रश्न पे। देखो तीसरा प्रश्न को, तीसरा प्रश्न क्या है, श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, श्रेणी सबसे पहला जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 1 है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ठीक है, ये एक दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा मैं इसको मार्कर से कर देता हूँ। ठीक है, 1 हो गया। फिर दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है करणी 2 -1 अपान 2 करणी 3, और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 3 -2 करणी 2 दिया हुआ है, अपान 12। ठीक है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये अब समझ में आ गया होगा। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी का नियम, बस नियम लगा दो। तो यहाँ पे पहला पद क्या होगा, देखो 1 जो है यहाँ पे है ना, ये 1 है। ठीक है, तो 1 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a=1। ठीक है, अब r का मान निकालना है, तो r का मान कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो भाग देंगे। तो देखो पीछे वाले पद ये है, इसमें 1 से भाग देंगे, तो ये कौन सा मान आएगा, जो दूसरा पद है सेम टू सेम ये पूरा का पूरा हमें प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करणी 2 -1 2 करणी 3, यही मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर का मान ये है। अब निकालना मुझे पांचवा पद है, तो एन के जगह में कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि पांचवा पद निकालना है, तो एन के जगह में 5 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखो पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद सूत्र क्या है, a r 5 -1।
ठीक है तो यहाँ पे पांच के जगह में हमें एन रखना है, लेकिन यहाँ पे मैं पांच माइनस एक रख रहा हूँ, ठीक है। ए के जगह पे एक रख दो, आर के जगह पे ये पूरा मान रखो, करनी दो माइनस एक, दो करनी तीन, ये रख देंगे, ठीक है। और एन के जगह में कितना रखना है, पांच में एक घटाओ कितना आएगा, चार, ठीक है, चार रखेंगे। आगे हल करते हैं इसको, तो एक का गुणा इसके साथ होगा सेम टू सेम, यही मान प्राप्त होगा, है ना। सेम टू सेम कौन सा मान प्राप्त होगा, सेम टू सेम यही मान प्राप्त होगा। अब चार का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो दो करनी माइनस एक, तो ये रहेगा चार का चार घात, इसी तरीके से लिखो इसे। और ये जो है ना दो का घात चार रहेगा, ठीक है, देखो दो का घात चार, और ये करनी में दिया है ना तीन, इसका भी घात चार रहेगा। तो ऊपर वाले को तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी हल कर सकते हो, लेकिन ये आगे और हल नहीं होगा, इसलिए इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं, लेकिन ये हल हो सकता है। देखो दो का घात चार, दो का घात चार मतलब दो को चार बार गुणा करना है, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा सोलह आ जाएगा। फिर सोलह गुणित, और ये जो तीन दिया है, तीन का घात चार मतलब ये करनी के अंदर कोई भी मान हो ना, करनी के अंदर कोई भी मान हो, तो हमेशा ये क्या होता है, आधा होता है। तो समझ जाओ कि ये आधा तीन है, और दो बार करनी को जोड़ोगे तो आधा आधा कितना हो जाएगा, ये पूरा तीन बनेगा। तो दो बार ध्यान देना, इसे मैं एकदम बारीकी से आपको बताया था ना, दो बार जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, पूरा तीन बनेगा। तो ये तो चार बार है, घात कितना है, चार बार है, तो चार बार है इसका मतलब क्या है, चार बार है इसका मतलब तीन का घात दो होगा, तीन का घात दो, है ना। आधा से क्या हो गया, देखो ना मैंने आपको अभी बताया ना कि तीन गुणित तीन मतलब करनी तीन गुणित तीन कितना होगा, पूरा तीन बनेगा। अब यहाँ पे चार है इसका मतलब ये दो बार ही लिखा जाएगा, तो तीन दिया कितना हो गया, नौ, और सोलह गुणित नौ करेंगे तो कितना आएगा, तो इसे अब काट देते हैं, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, इसे हटा दो। अब सोलह गुणित नौ कर दो, तो ये जो मान है, करनी दो माइनस एक और इसका घात चार, और सोलह गुणित नौ का होगा 16 निया 144, तो 144, और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। देखो अब चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी 0.3 पहला पद है, दूसरा पद है 0.06, तीसरा पद है 0.012 दिया हुआ है, का आठवां पद ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। कौन सा पद निकालना है, आठवां पद। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ये भी प्रश्न है ना। पहले हम यहाँ पे ए का मान लिख देते हैं, पहला पद क्या है 0.3, आर का मान पीछे वाले में आगे वाले को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 0.06 को भाग देंगे 0.3 से, तो कितना आ जाएगा, 0.3 × 6 मतलब 0.2 हमें प्राप्त होगा, ये आर का मान है। और एन का मान कितना है, आठवां पद मतलब एन का मान आठ, ठीक है, एन का मान आठ है। अब आसानी से इसका उत्तर निकाल लेते हैं भाई, आठवां पद का, तो आठवां पद डायरेक्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए का मान, ए का मान कितना है 0.3 × आर की जगह पे कितना रखना है 0.2 × और एन का मान कितना है आठ है, तो आठ में एक कम कर देना है तो सात, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं सात रख देता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं ना, आपको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर, देखो आ भी गया डायरेक्ट, यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हमें इस प्रश्न में करना था। तो आपका चौथा प्रश्न भी बन गया, चलो अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो देखो पांचवा प्रश्न ये रहा, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कौन सा है, एक अपान ए का घात तीन और एक्स का घात भी तीन दिया हुआ है, दूसरा पद है ए एक्स और तीसरा पद है ए का घात पांच और एक्स का पांच है, और ज्ञात कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, बारवा पद ज्ञात करना है ना, कौन सा पद ज्ञात करना है, बारवा पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने बाकी प्रश्नों को बनाया सेम टू सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। पहले ए का मान हमें लिख लेना है, कितना है भाई, एक अपान ए का घात तीन एक्स का घात तीन। फिर आर का मान पीछे वाले में आगे वाले को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ए एक्स को भाग देंगे किससे, एक अपान ए का घात तीन एक्स के घात तीन से,
ठीक है, तो भाग दे देंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे तीन पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब भी हम ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं तो चार पद होता है, तो एक पद गायब है। तो गायब किसका पद है, आपको पता है गायब किसका पद है? भाई देखो, ए एक्स दिया है, तो इसके नीचे में कुछ तो है ना, एक जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसका पद गायब था? ए एक्स का पद गायब था। ये तो पूरा है, लेकिन ये अकेला है, तो इसके नीचे में हम एक ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ले दिया। ठीक है, तो एक को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपान करके। ठीक, अब नियम क्या है, पहले चौथे का गुणा, ये दूसरे और तीसरे का गुणा, तो ये हो जाएगा, देखो ए का घात 4 हो गया और एक्स का घात भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का घात 4 और एक्स का घात 4, तो आर का मान कितना आया, ए का घात 4, एक्स का घात 4 आया। अब 12वां पद निकालना है, तो 12वां पद कौन सी बड़ी बात है निकालना, है ना, बहुत आसान है, तो 12वां पद निकाल लेते हैं। 12वां पद डायरेक्ट ए का मान रख देते हैं, तो एक, ए का घात 3, एक्स का घात 3। ठीक है, गुणित आर की जगह में हम आर का मान रख देते हैं, ए का घात 4 और एक्स का घात 4। ठीक है, और 12वां पद है तो आपको पता है, ठीक है, 12वां पद है, इसका मतलब क्या पता है आपको, कि हमेशा एक कम रहता है, मतलब एक घटाते हैं 12वां पद में, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में चर चर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो इस 11 का क्या कर सकते हैं, हम अंदर गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, तो अंदर हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए का घात 3, एक्स का घात 3, अंदर गुणा करेंगे तो ए का घात 11 चौक कितना हो गया, 44, एक्स का घात कितना हो जाएगा, ये भी 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, ए का घात 3 है, एक्स का घात 3, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 3 घात को कटा देना है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, ए का घात 44 माइनस, नीचे में है ना, नीचे में है, तो भाग के रूप में जो भी मान रहता है तो ऊपर जाके क्या होता है, माइनस हो जाता है 3, और एक्स का घात यहाँ पे 44 और ये 3, इस तरीके से। आगे जब इसको हल करेंगे तो ए का घात ये कट के कितना हो जाएगा, 41, है ना, और एक्स का घात भी कितना हो जाएगा, 41। और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। इसको थोड़ा सा और आगे हल किया जाए तो दोनों से 41 को हम बाहर निकाल के ए एक्स ऐसे लिख के 41 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो 5वां प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे आसानी से मैंने निकाल दिया। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 6वां प्रश्न को। 6वां प्रश्न क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कौन सा है, करणी 3 दिया हुआ है, दूसरा पद एक अपान करणी 3, और तीसरा पद है एक अपान 3 करणी 3 दिया हुआ है, का एनवा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, एनवा पद। जैसे यहाँ पे मैं 5वां पद कह देता हूँ, 8वां पद कह देता हूँ, तो निकाल लेते हो ना, बस इसमें करना क्या है, एनवा पद मतलब एन का मान रख के इसको हल करना है। ठीक है, ये भी बन जाएगा, बहुत आसान है। पहला प्रश्न को बनाया है, दूसरा प्रश्न को पूरा बनाया है ना, दूसरा नहीं, पहला प्रश्न को बनाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसे बना है वैसे ही ये भी सेम टू सेम बनेगा। तो पहले प्रश्न में जैसे हमने एनवा पद को निकाला था, वैसे ही यहाँ भी आपको क्या करना है, इनवा पद निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट आते हैं 7वां प्रश्न पे। 7वां का पहला देख लेते हैं, मतलब 7वां का जो एवा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है 2, दूसरा पद है 2 करनी 2 और तीसरा पद है 4 का कौन सा पद 128 है। देखो कितना आसान आसान प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न बहुत ही आसान है ना, जैसे हम समांतर श्रेणी निकालते थे ना तो अंतिम पद दिया होता था, तो वैसे ये समझो कि ये भी क्या है, 128वां पद, मतलब जो 128वां पद नहीं है, ये 128 है। ठीक है, ये कौन से पद में बैठा है पूछ रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ कि ये एनवा पद जैसे है, एल का मान जैसे एनवा पद का मान दिया रहता है ना, वैसे यहाँ पे भी दिया है समझो मान। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद कह सकते हो, या एनवा पद का मान यहाँ पे 128 दिया है। तो बस अब हमें निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का मान। कैसे निकालेंगे, देखो हल कैसे करना है, आपको पता है कि पहला पद पहले लिखते हैं ना, पहला पद कितना है, 2 है, और आर का मान कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में आगे वाले का क्या करते हैं, भाग देते, तो पीछे वाले को
भाग देते हैं आगे वाले से, तो ये रहा, दो दो कट गया, करनी दो आया आर का मान। ठीक है, ज्ञात करना है एनवा पद, लेकिन यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, ये 128 जो दिया हुआ है ये ए एन का मान है। ठीक है, कौन सा मान है? ए एन का, जिसे हम एल एल से भी प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया था ना, एल भी आप इसे कह सकते हो आखिरी पद को, और आप एन भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, तो 128 जो है ये इसका मान है। आप अंतिम पद भी कह सकते हो, अगर अंतिम पद कहता है तो भी ये ए एन है, और ए एन पद कहता है तो भी ये वही पद है। ठीक है, अब हल करते हैं, है ना। तो हल करेंगे, सूत्र कौन सा है? सूत्र आपको पता है, ए आर एन माइनस वन के बराबर में हमें लिखना क्या है, 128। ये रहा 128। ए के जगह में दो रखेंगे, आर के जगह में करनी दो, और घात कितना है, एन माइनस एक, और ये रहा 128। ये दोनों मान देखो गुणा के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में। तो गुणा के फॉर्म में, इसलिए यहीं से हम काट देते हैं ना, दो के पहाड़ा से, दो एकम दो से ये कट गया, दो छक्के और दो चौके, मतलब 64 बार में क्या होगा, ये कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, करनी दो बचा है ना, करनी दो, तो करनी दो और घात एन माइनस एक, और ये रहा 64। ठीक है, अब 64 को भी हमें क्या करना है, दो के गुणज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो के गुणज में लिखना पड़ेगा। तो 64 दो के गुणज में कितने बार में आता है, तो देखो 64 जो है वो दो के गुणज में कितने बार में आता है, अगर इसको निकालना है तो आपको पता है कि गुणनखंड करने विधि से ही ये निकल सकता है ना, गुणनखंड विधि आता है ना, दो का पहाड़ा पढ़ो, तो दो तिया दो दुनी, फिर दो का पहाड़ा दो एकम दो छक्के, फिर दो का पहाड़ा पढ़ो तो दो अट्ठे, फिर दो के पहाड़ा पढ़ो तो दो चौके चार बार गया, फिर दो का पहाड़ा पढ़ोगे तो दो दुनी, फिर दो का पहाड़ा पढ़ोगे तो एक बार, देखो कितने बार गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को, 64 को हम लिख सकते हैं दो का घात छः, और यहाँ पे करनी के अंदर दिया हुआ है, सॉरी करनी के अंदर दो दिया हुआ है ना, तो करनी के अंदर दिया है दो, और ये एन माइनस एक, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये करनी के अंदर दो दिया है, तो इसको भी, जो दो दिया है इसको भी मुझे करनी के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, अगर मैं इसको दो बार करनी लिख देता हूँ, ठीक है, दो बार करनी दो, दो बार करनी दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस दो को, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं एन माइनस वन, तो इसको हमें पहले लिखना है दो करनी गुणित दो करनी, और ये घात रहा छः। ठीक है, अब ये दो बार है, इसका मतलब क्या है कि ये करनी दो का कितने घात है, दो घात, ठीक है, इस तरीके से दो घात ये हुआ, और पहले से ही बाहर में कितना है, छः है, है ना, पहले से ही छः है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा, और लिखने के बाद देखो बाहर में छः भी लिख लूँगा। ठीक है, अब ये दो करनी एन माइनस एक, इसको और आगे हल करेंगे तो एन माइनस एक बराबर, ये छः दूनी कितना होगा, बारह, तो करनी दो का घात कितना हो गया, बारह। ठीक है, हो गया बारह, समझ में आया। अब देखो ये और ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो क्या होता है, मान कट जाता है, समझो मान कट गया है ना, तो अब बचा क्या, जो घात है वही सिर्फ बचेगा, घात बस बचेगा, तो घात क्या है, एन माइनस एक, और इसका घात कितना है, 12। तो एन को यहीं पे रहने देते, एक को उस पर ले जाएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12 और एक कितना हो गया, 13। तो एन का मान कितना आया, 13 प्राप्त हुआ। देखो कितना आसान था प्रश्न, आसानी से इसका उत्तर निकल गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, देखो सातवा का बीवा प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है करनी ती, दूसरा पद है तीन, और तीसरा पद है करनी तीन, करनी तीन है का कौन सा पद रहेगा जो 729 रहेगा, कह रहा है। ठीक है, इसको भी कैसे बनाना है, जैसे मैंने कौन सा प्रश्न बनाया है, एवा प्रश्न को ना, सातवा के एवा प्रश्न को बनाया है, वैसे ही आपको अब क्या करना है, इस बीवा प्रश्न को बनाना है। ठीक है, इस बीवा प्रश्न को बनाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है, सूत्र है ए
आर एन माइनस वन, और इसके दूसरे पक्ष में क्या रखना है, 7 2 9 को रखना है। तो आपको पता है कि ए का मान तो दिया है, आर का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पीछे वाले में आगे वाले को क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, भाग दोगे तो निकल जाएगा, आसानी से ये प्रश्न भी बन जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सातवां का सीवा पद, सीवा प्रश्न। तो सातवां का जो सीवा प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद देखो, ए का पान 3, दूसरा पद है ए का पान 9, और तीसरा पद है ए का पान 27 का कौन सा पद कितना होगा, ए का पान 19683। तो हमें इस प्रश्न में निकालना क्या है, एन का मान इसमें भी निकालना है। तो आप सभी को पता होगा पहला पद कौन सा है, पहला पद है एक अपान 3। ठीक है, इसके बाद आर का मान निकालना है, तो आर का मान पीछे वाले पद को आगे वाले पद से भाग देना है। तो एक अपान 9 को भाग दे रहे हैं इससे, एक अपान 3 से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहले और चौथे का गुणा, ये चौथा और ये दूसरा तीसरे का गुणा, तो ये 3 ऊपर चला गया और 9, 3 एकम 3 दिया, 1/3 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 1/3 जो है ये आर का मान है। ठीक, अब सूत्र लगा देते हैं एनवा पद का, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद का सूत्र लगाते हैं। तो एनवा पद का सूत्र, और यहाँ पे कौन सा मान है भाई, एनवा पद का जो मान है जिसे हम ए एन कहते हैं, एनवा पद कौन सा है, ये है ना 1/19683। ठीक है, तो ये हो गया एनवा पद, मतलब ए आर एन माइनस वन ये होता है। ठीक है, और ये रहा 1/19683। ठीक, इसके जगह में डायरेक्ट आपको ये रख लेना है। ठीक है, चाहो तो आप रख सकते हो, जरूरी नहीं है। इसके साथ ये पहला पद होगी, ये दूसरा पद बन जाएगा, है ना। अगर इस पद को नहीं रखना चाहे, मतलब ये जो पहला पद है इसको नहीं रखना चाहते, डायरेक्ट ये रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनवा पद लिख दिया है। अब लिखा गया तो मैं काटना तो नहीं चाह रहा था, इसलिए यहाँ पे मैं एनवा पद लिख दिया था। एनवा पद का मान कितना था, ये था, है ना। तो देखो एनवा पद में जो पहला पद है इसका मान रख देते हैं, तो 1/3 है, आर का मान भी 1/3 है, और एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इस तरीके से। ठीक है, और ये रहा 1/19683। ठीक है, 19683, और आगे हल करो इसको। तो देखो ये जो मान है इसका घात कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1 क्या है, माइनस में, तो ये प्लस और माइनस करके काट देंगे, है ना। मतलब ये जो है इसके पीछे में क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में जुड़ेगा, तो ये कट रहा है ना, कट है तो यहीं पे काट देते हैं। तो बचे है क्या, 1/3, और सिर्फ एन बस बचेगा, बाकी क्या हुआ है, कट गया है। ठीक है, कटने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुणनखंड, मतलब इस तरीके से गुणनखंड कर देते हैं। देखो 19683 को पहले 3 से करो, है ना, तो लगातार करते जाना है। चलो करके देखते हैं कितने बार जाएगा। तो ये हो गया 19, ये हो गया 3 6 1 5, है ना, फिर 1 जाएगा, फिर 18, फिर 6 बार में, फिर 1 बार में, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, फिर 3 एकम 3 2, और 6, 3 8 24, 2 1 3 7, फिर 3 से करो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, इसके साथ जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 या 27। ठीक है, फिर 3 से करो, 3 दूनी और 1 12 हो गया, है ना, तो 3 चौके और 3 3। ठीक है, फटाफट करते हैं, गुणनखंड तो आता ही होगा आपको, 3 8 24, 3 एकम, फिर 3 से करो, 3 दूनी 3, 3 7, है ना, 27 भी चला गया, फिर 3 निया, फिर 3 तिया, फिर 3 एकम। देखो कितने बार गया, गिन लो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार, है ना, 9 बार गया है। तो 3 का घात कितना होगा, 3 का घात 9 बार होगा। ठीक है, 3 का घात 9 बार, तो ये 1/3 का घात n, और इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1 का घात 3, इस प्रकार से 1 का घात 3 कह रहा हूँ, 1/3, इसका घात 9, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो 1 का घात हम चाहे 10 15 20 जो रखना चाहे रख सकते हैं, क्योंकि घात 1 का घात कुछ भी हो, है ना, 1 का घात 0 के अलावा कुछ भी हो, मान क्या आएगा, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो
ये मान सेम हो गया, ये मान भी सेम हो गया। दोनों अगर सेम हो रहे हैं तो नियम क्या कहता है कि हमें सिर्फ घातों का उपयोग करना है। तो एन का मान कितना हो गया? 9। तो जो मान है ना वो कौन से पद में बैठा हुआ था? 9वां पद में बैठा हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आया? चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो डीवा प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 0.004, दूसरा पद 0.02, तीसरा पद 0.1 है, का कौन सा पद 12.5 है? ठीक है, इसे बना के देखना। जैसे मैंने पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न को बनाया ना सातवां का, वैसे ही ये भी बनेगा, है ना। इसके बाद देखो सातवां का ये ईवा प्रश्न मतलब अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखो। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, का कौन सा पद 1/512 करनी 2 है? ठीक है, ये हमें क्या करना है, कौन से पद में बैठा है उसे निकालना है। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम हल होगा, तो इसमें इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, बना के देखना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सेम टू सेम प्रश्नों को अगर मैं बनाते रहूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और जो विधि मैं बता रहा हूँ अगर विधि से बनाते जाओगे तो आसानी से हल होते जाएगा, है ना। जहाँ पे चेंज रहेगा, जहाँ पे डाउटेस वाला टॉपिक रहेगा, वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन वाला कोई टॉपिक नहीं है और ना ही वहाँ पे डाउट देने लायक है, तो उन टॉपिकों को हम छोड़ देंगे और एक जैसे टॉपिकों को भी छोड़ देंगे। ठीक है।